हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है नोड्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क और वो किस तरह से काम करता है। सो हमें ये पता है कि जब हम कुछ चीज़ों को लर्न करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, नॉलेज को स्टोर करता है। उसी तरह से कंप्यूटर यूजेस मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अब दोनों तो और लगभग लगभग सेम है, हमारा बोथ जो है वो क्या करता है, हमारा स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, बट उसका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। कंप्यूटर जो है हमारा वो करता है, जो मेमोरी को स्टोर करता है वो स्पेसिफाइड लोकेशन में करता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारा एक कबर्ड है, कबर्ड में जो पहला वाला दराज है उसमें वो कुछ चीज़ स्टोर कर लिया, सेकंड वाले दराज में दूसरा चीज़ स्टोर कर लिया। अब जब उसे चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे हमको एक तैयार होने के लिए क्या चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, तो हमारा शर्ट जो है वो ऊपर वाले कबर्ड में रखा हुआ है, पैंट जो है नीचे वाले कबर्ड में रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला दराज खोलेंगे, उसे शर्ट निकालेंगे, उसको पहनेंगे, फिर हम लोग सब सेकेंड वाला दराज खोलेंगे, उसे पैंट निकालेंगे और फिर उसको पहनेंगे। और वाइल जो हमारा ब्रेन है अल्टर्स करता है किसका, एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होता है किसका, स्टोरेज का। वो क्या करता है, वो सिर्फ ट्रांसमिट करता है सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। हमारा ब्रेन जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, और उसके साथ बहुत सारे न्यूरॉन्स लगे हुए रहते हैं। जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो क्या करता है, इमिटेट्स करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन, मतलब वो मिमिक करता है जिस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है उस तरह से। अब क्या होता है कि एज द ब्रेन इज कंपोज ऑफ द कनेक्शन ऑफ न्यूमरस न्यूरॉन्स, द न्यूरल नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड विद द कनेक्शन ऑफ नोड्स विच आर द एलिमेंट्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क मिमिक्स द न्यूरॉन्स एसोसिएशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन यूजिंग द वेट वैल्यू। सो अगर हम एक तरफ ब्रेन को मान लेते हैं, एक तरफ न्यूरल नेटवर्क को मान लेते हैं, तो ब्रेन में हमारा क्या हो जाता है, न्यूरॉन्स हो जाता है सबसे पहले, है ना, और उसमें क्या होता है, कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन। उसी तरह से हमारे न्यूरल नेटवर्क में क्या हो गया, नोड हो गया हमारे पास, और उसके बाद क्या हो गया, कनेक्शन ऑफ वेट्स। सो न्यूरल नेटवर्क को अच्छे से समझने के लिए हम लोग सब एक एग्जांपल लिए हैं। एक हमारे पास नोड है भाई, उसमें हम लोग सब क्या कर रहे हैं, ये मान लो हमारा X1 एक इनपुट हो गया, X2 एक इनपुट हो गया, X3 एक इनपुट हो गया। अब इसमें क्या हो गया, एक वेट हो गया W1, ये दूसरा वेट हो गया W2, ये तीसरा वेट हो गया W3। इसमें हम एक बायस डाल दे रहे हैं, ये हो गया हमारा P, और इससे हमको एक आउटपुट मिल रहा है Y। तो हमारा वेटेड सम क्या हो गया, वेटेड सम हम मान लेते हैं कि हमारे पास V है, V का हमारा क्या हो जाएगा, वेटेड सम W1 X1 प्लस क्या कर रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको और इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W1 X1 फिर उसी तरह से W2 X2 प्लस W3 X3 और फिर लास्ट में हमारा क्या जुड़ जाएगा, हमारा जो ये बायस है ये बायस जुड़ जाएगा, तो हमारा ये हो गया वेटेड सम। अब ये इक्वेशन हमारा क्या दिखा रहा, जता रहा है कि जिसमें हमारा सिग्नल का, जो भी सिग्नल का हमारा ग्रेटर वेट होगा उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। दैट मीन्स अगर सपोज कीजिए हमारा ये वाला W1 जो है इसका वैल्यू हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस सिग्नल का हमारा क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर इसका, अगर W2 का वैल्यू ज्यादा है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ये पूरा जो सिग्नल का है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है वेट के ऊपर। अब सपोज कीजिए इसका वैल्यू हम लोग के पास 0 है, तो अब ये पूरा सिग्नल क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा सिग्नल 0 हो जाएगा, तो हमारा इसका क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये अगर ये इसको हम लोग सब हटा भी सकते हैं, समझे बात को। उसी तरह से अगर हमारा W2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, सिमिलरली W3 के साथ भी। अब आते हैं ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम लोग सब एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, WX प्लस B, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेयर यहाँ पर जो हमारा जो W जो डिफाइन होगा वो W किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, W डिफाइन हो जाएगा W1, W2 और W3 मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब मैट्रिक्स में कॉमा होता नहीं है तो इसको हम लोग सब क्या किए, सिंपली हटा दिए, ठीक है, समझे। उसी तरह से हमारा X भी होता है, X हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा भाई, X हमारा हो जाएगा किस फॉर्म में, हो जाएगा X1 X2 X3। अब जो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन चाहे ये वाला एक्सप्रेशन, ये हमारा चला जाता है एक्टिवेशन फंक्शन के साथ, और एक्टिवेशन फंक्शन के साथ जाने के बाद ही वो आउटपुट देगा। दैट मीन्स हमको अगर सिंपली अगर y निकालना है,
ठीक है, आउटपुट निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन, इसको हम लोग सब एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं, और जो हमारा वी आया है वो, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। हम लोग सब धीरे धीरे जानेंगे किस तरह से क्या होता है एक्टिवेशन फंक्शन, डिफरेंट तरह के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं।